मान्यवर काशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के खवासपुर गांव में हुआ था। वह 8 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। वह अनुसूचित जाति समूह के रामदासिया समुदाय से थे, जो पंजाब में सबसे बड़ा समूह है। उनके पिता के पास कुछ जमीन थी और उनके चाचा सशस्त्र बलों में थे। अपनी निम्न जाति की पृष्ठभूमि के बावजूद उन्होंने रोपड़ पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेज से विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। स्नातक होने के तुरंत बाद साहेब श्री काशीराम जी 1957 में पुणे में किरकी की विस्फोटक अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ERDL के अनुसंधान कर्मचारियों में शामिल हो गए। पुणे में काम करते हुए उन्होंने प्रसिद्ध दीनाभान मामले में शामिल होने के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने पहली बार जातिगत भेदभाव का अनुभव किया। उनका दोष यह था कि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और भगवान बुद्ध जयंती के लिए छुट्टियों को रद्द करने और उनके स्थान पर तिलक जयंती और दिवाली के लिए एक अतिरिक्त छुट्टी के लिए ERDL प्रबंधन के फैसले का विरोध किया था। साहेब श्री काशीराम जी ने प्रबंधन के इस तरह के जातिवादी और तानाशाही व्यवहार के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। वे इस जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए 1964 में एक दलित सामाजिक कार्यकर्ता बन गए। उनके करीबी लोगों के अनुसार उन्होंने यह निर्णय डॉक्टर अंबेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़कर लिया था। मान्यवर काशीराम को बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर और उनके दर्शन ने काफ़ी प्रभावित किया था। यह देश में दलितों की मुक्ति के लिए लंबी लड़ाई की शुरुआत थी, जिसका नेतृत्व साहेब श्री काशीराम जी को अंतिम सांस तक करना था। उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपना पूरा जीवन समुदाय के लिए समर्पित कर दिया। उसके बाद से उन्होंने कभी शादी नहीं की और ना ही अपने घर गए। उनका संघर्ष घर और परिवार के लिए नहीं था। उन्होंने भारत के मूल निवासियों की खोई हुई महिमाओं को पुनः प्राप्त करने के लिए एक नई रणनीति तैयार की। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों को शामिल करके दलितों के दायरे का भी विस्तार किया। इसका नतीजा यह हुआ कि साहेब श्री काशीराम जी ने 6 दिसंबर 1978 को अपना पहला संगठन शुरू किया, द ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन, जिसे बामसेफ के नाम से जाना जाता है। बामसेफ एक ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य वर्गों और अल्पसंख्यकों के शिक्षित सदस्यों को अम्बेडकरवादी सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए राजी करना था। बामसेफ ना तो राजनीतिक और ना ही एक धार्मिक संस्था थी और उसका अपने उद्देश्य के लिए आंदोलन करने का भी कोई उद्देश्य नहीं था। इस संगठन ने दलित समाज के उस संपन्न तबके को इकट्ठा करने का काम किया जो ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों, छोटे शहरों में रहता था और सरकारी नौकरी में काम करता था। 6 दिसंबर 1981 को साहेब श्री काशीराम जी ने एक और संगठन की स्थापना की, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4, और 14 अप्रैल 1984 को साहेब श्री काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी के गठन की घोषणा की। जल्द ही वे एक राजनेता के रूप में अपने लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए। उन्होंने दलित वोटों को इकट्ठा करने की शुरुआत की। उन्होंने अपना पहला चुनाव 1984 में छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा सीट से लड़ा था। BSP को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। शुरू में दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच विभाजन को पाटने के लिए संघर्ष किया, लेकिन बाद में मायावती के नेतृत्व में इस खाई को पाटा गया। सन 1982 में उन्होंने अपनी पुस्तक द चमचा युग लिखी, जिसमें उन्होंने दलित नेताओं का वर्णन करने के लिए चमचा शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने तर्क दिया कि दलितों को अन्य दलों के साथ काम करके अपनी विचारधारा से समझौता करने की बजाय समाज के विकास को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक रूप से काम करना चाहिए। 1988 में उन्होंने भावी प्रधानमंत्री VP सिंह के खिलाफ इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ा और प्रभावशाली प्रदर्शन किया, लेकिन 70,000 वोटों से हार गए। वह 1989 में पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़े और चौथे स्थान पर रहे। सन 1991 में मान्यवर काशीराम और मुलायम सिंह ने गठबंधन किया और मान्यवर काशीराम ने इटावा से चुनाव लड़ने का फैसला किया। मान्यवर काशीराम ने अपने निकटतम भाजपा प्रतिद्वंदी को 20,000 मतों से हराया और पहली बार लोकसभा में प्रवेश किया। उसके बाद मान्यवर काशीराम ने 1996 में होशियारपुर से 11वीं लोकसभा का चुनाव जीता और दूसरी बार लोकसभा पहुंचे। उनके नेतृत्व में 1999 के संघीय चुनावों में भाजपा ने 14 संसदीय सीटें जीती। अपने खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने 2001 में सार्वजनिक रूप से मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था।
सन 2002 में काशीराम जी ने 14 अक्टूबर 2006 को डॉक्टर अम्बेडकर के धर्म परिवर्तन की 85 वर्षगांठ के मौके पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने की अपनी मनसा की घोषणा की थी। काशीराम जी की मनसा थी कि उनके साथ उनके 5 करोड़ समर्थक भी इसी समय धर्म परिवर्तन करें। उनकी धर्म परिवर्तन की इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह था, उनके समर्थकों में केवल अछूती शामिल नहीं थे बल्कि विभिन्न जातियों के लोग भी शामिल थे जो भारत में बौद्ध धर्म को व्यापक रूप से बढ़ा सकते थे। हालांकि 9 अक्टूबर 2006 को उनका निधन हो गया और उनकी बौद्ध धर्म ग्रहण करने की मंशा अधूरी रह गई। मान्यवर काशीराम जी डायबिटीज के रोगी थे। उन्हें 1994 में दिल का दौरा पड़ा, 2003 में एक पैरालिटिक स्ट्रोक का सामना करना पड़ा। 9 अक्टूबर 2006 को 72 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। उनकी इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार बौद्ध परंपरा के अनुसार किया गया था, जिसमें मायावती ने चिता को प्रज्वलित किया। उनकी राख को एक कलश में रखा गया और प्रेरणा स्थल पर रखा गया, जहां हजारों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मायावती ने कहा कि उन्होंने और काशीराम साहब ने तय किया था कि हम बौद्ध धर्म तभी ग्रहण करेंगे जब केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हम ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि हम धर्म बदलकर देश में धार्मिक बदलाव तभी ला सकते थे जब हमारे हाथ में सत्ता हो और हमारे साथ करोड़ों लोग एक साथ धर्म बदले। यदि हम बिना सत्ता पर कब्जा किए धर्म बदल लेंगे तो हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा और केवल हम दोनों का ही धर्म बदलेगा, हमारे लोगों का नहीं। इससे समाज में किसी तरह के धार्मिक क्रांति की लहर नहीं उठेगी। अपने शोक संदेश में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मान्यवर काशीराम जी को हमारे समय के सबसे महान समाज सुधारकों में से एक के रूप में वर्णित किया। उनके राजनीतिक विचारों और आंदोलनों का हमारे राजनीतिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उन्हें सामाजिक परिवर्तन की एक बड़ी समझ थी। हमारे समाज के विभिन्न वंचित वर्गों को एकजुट करने और एक राजनीतिक मंच प्रदान करने में वह सक्षम थे जहाँ उनकी आवाज सुनी जाएगी। अंत में यह कहा जा सकता है कि भारत में अंबेडकरवाद को जिंदा रखने में उनका काफी योगदान है। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण के बाद बहुजन आंदोलनों में पैदा हुए शून्य को खत्म करके बहुजन आंदोलन को फिर से जीवित किया था।